भारत के कई घरों में तोते पाले जाते हैं। लोग छोटे से तोते को घर लाकर उसे बोलना सिखाते हैं। तोता भी बचपन से अपने मालिक के घर पर बोले जाने वाले शब्द सीख लेता है और दिन भर उसे ही रटता रहता है। आपने कई तोतों को मिट्ठू, सीताराम आदि बोलते देखा होगा। कई बार तो तोते घर में बोले जाने वाली गालियाँ भी सीख लेते हैं और फिर उसे रटने लगते हैं। लोगों को तोते का घर में रखना कहीं से भी गलत नहीं लगता, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपको तोता पालने का शौक है तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है और आपको 3 साल तक जेल हो सकती है। तोता पालने का शौक ना सिर्फ आपको जेल तक भेज सकता है बल्कि 25,000 रुपये जुर्माना भी आपके ऊपर लगाया जा सकता है, इसलिए हो जाएं सावधान। सर ये बताइए, जिस तरीके से लोगों को तोता या पक्षी पालने का शौक रहता है तो जबकि बताया जाता है कि हिंदुस्तान में इसको पालना बैन है, तो सर क्या प्रकरण है और क्या इसकी सजा है? तोता जो है पालने के ऊपर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो कि संशोधित भी हो गया है, उसमें ये कैप्टिविटी की श्रेणी में आता है और सेक्शन 9 के अंतर्गत ये अपराध है और सेक्शन 12 में इसके लिए अगर पकड़े जाते हैं तो पकड़े जाने पर इसमें 3 साल तक की सजा हो सकती है और 25,000 रुपये जुर्माना भी इसमें हो सकता है। सर अक्सर देखा जाता है बहुत से लोग घरों में तोता पालते हैं, पक्षी पालते हैं, तो सर क्या ये कानून पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाया है, इस पर जो ढील बरती जाती है, क्या मानते हैं? जैसे घरों में कोई इस तरह की, जैसे आप बता रहे हैं, जब कभी भी इस तरह से घटना संज्ञान में आती है तो संज्ञान में लेने के बाद में मुकदमा कायम करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। सर जैसे फुटपाथ वगैरह पर जो लोग तोते बेचते हैं, क्या उनके लिए भी सेम नियम कानून लागू होता है? हाँ, जो फुटपाथ पर ये लोग बेचते हैं तो उसके ऊपर भी हम लोग जो है समय समय पे रेड्स की कार्रवाई करते रहते हैं और जब कभी संज्ञान में आता है तो उस पर हम कार्रवाई जो है करवाते हैं।